क्या ये बन सकती है आपकी अगली कार? आइए जानते हैं कार देखो के साथ। अब स्कोडा रैपिड सामने से और हर एक एंगल से आपको सेम ही लग रही होगी, है ना? एक सेकंड रुकिए, मैं आपको पहले गाड़ी बता देता हूँ, ये स्पेशल मोंटी कार्लो एडिशन को, और आप ही मुझे बता दीजिए कि आपको अलग क्या लग रहा है। कुछ समझे? नहीं, चलिए ठीक है, शुरू इसके साथ कर लेते हैं फिर। तो अब आपको स्कोडा रैपिड के साथ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाता है, और वहाँ पर ये इसके नीचे है। हालांकि एक्सटीरियर में काफ़ी अलग लग रही है, तो इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो पहले रेड कलर में आपने देखा था मोंटी कार्लो एडिशन, और ये है स्कोडा रैपिड मैट कॉन्सेप्ट। और जी हाँ, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, हालांकि नाम यहाँ पर कॉन्सेप्ट करके लिखा गया है, दिस इज़ गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर परचेसिंग वेरी वेरी सून डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री। ये एक डीलरशिप लेवल अपग्रेड नहीं है, इट इज़ समथिंग दैट यू विल बी सीइंग अवेलेबल स्ट्रेट फ्रॉम स्कोडा। तो ये है स्कोडा रैपिड 1 लीटर TSI, और इस इंजन अपडेट के साथ आपको मिलता है एक BS6 कंप्लाइंट पेट्रोल इंजन, लेकिन उसके साथ में काफ़ी नई चीज़ें हैं जो एक वैल्यू प्रोपोजिशन को इम्प्रूव कर देते हैं स्कोडा रैपिड के लिए। नंबर वन चीज़, अब स्कोडा रैपिड की कज़न है फोक्सवैगन वेंटो, और वेंटो को एक TSI ऑप्शन मिल जाता था, बट दैट वाज विद द 1.2 लीटर TSI विद द DSG ट्रांसमिशन। अब यहाँ पर BS6 एरा में डीजल इंजन जो है और पेट्रोल इंजन जो है वो दोनों ही चेंज हो गया, तो डीजल ऑप्शन जो है वो अब नहीं मिलने वाला है 1.5 लीटर TDI, और जो पेट्रोल इंजन ऑप्शन है 1.6 MPI नेचुरली एस्पिरेटेड, उसे भी रिप्लेस कर दिया गया है। तो वहाँ पर आपको पहले मिलता था विद द 1.6 लीटर इंजन, याद रखिए डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा था, आपको सिर्फ 106 हॉर्स पावर मिलता था, लेकिन अब विद द 1 लीटर TSI इंजन, जो कि एक छोटी इंजन है, उसके साथ आपको 110 हॉर्स पावर मिल जाता है। साथ ही साथ में टॉर्क में भी इंप्रूवमेंट हो गई है, तो पहले आपको अराउंड 153 Nm मिलता था, एंड नाउ दैट हैज गॉन अप टू 200 Nm, तो देयर इज अ रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट, है ना? लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मिल गया है, एंड दैट इज दिस। तो अब आपको स्कोडा रैपिड के साथ DSG ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो पहले दैट वॉज समथिंग दैट वॉज जस्ट लिमिटेड टू दी फोक्सवैगन वेंटो, लेकिन अब आपको रैपिड के साथ भी मिल जाता है, एंड यू आर जस्ट गेटिंग अ ट्रेडिशनल टॉर्क कन्वर्टर दैट वॉज अवेलेबल विद द नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल। अब इस एडिशन के साथ, मैट एडिशन के साथ में क्या क्या चेंजेस मिल जाएंगे आपको? वेल, नंबर वन, अगर आपको ये मैट एडिशन मॉडल चाहिए तो प्राइस प्रीमियम होगी अप्रॉक्सीमेटली ₹45,000 to ₹50,000 ओवर द इक्विवेलेंट वेरिएंट ऑफ द स्कोडा रैपिड। यानी कि ये पैकेज आपको एक कस्टम वेरिएंट मिल रहा है, इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर वेरिएंट रेंज ऑफ द स्कोडा रैपिड, खाली एक कॉस्मेटिक किट है। तो इसके साथ आपको एक मैट ब्लैक फिनिश मिल जाता है, यहाँ पर नीचे आपको ये प्रीटी कूल और मेनिसिंग और बैड एस लुकिंग व्हील्स मिल जाते हैं, इनको भी आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ कॉन्ट्रास्ट एक्सेंट्स भी मिल जाते हैं, लाइक द बूट लिप स्पॉइलर, द एंड ऑफ द बूट इटसेल्फ, साइड स्कर्टिंग के ऊपर भी आपको ये रेड कॉन्ट्रास्ट फिनिश मिल जाती है, विंग मिरर्स पर भी ये रेड कॉन्ट्रास्ट फिनिश है, लेकिन सामने से इट इज़ ऑल ब्लैक। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी चिन के पास में भी एक रेड स्ट्रिप लगाया जा सकता है? कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। उसके अलावा यहाँ पर अब आपको ये ऑलमोस्ट ऑक्टेविया RS जैसी इंटीरियर मिल जाती है, तो यहाँ पर ज़्यादातर फीचर्स तो सिमिलर ही है, बस यहाँ पर आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिल जाती है विद ए स्लाइट कॉन्ट्रास्ट फिनिश टू द लोअर हाफ ऑफ द डैशबोर्ड, और ये एल्केंटारा फिनिश सीट्स ऑन द बैकरेस्ट, वो भी एक कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर आपको आउटर एज पर रेगुलर लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, और अंदर वो एक एल्केंटारा फिनिश मिल जाती है, तो मेंटेनेंस पर थोड़ा सा तो मुश्किल पड़ जाएगा, बट दिखने में काफ़ी स्पोर्टी है और काफ़ी अट्रैक्टिव है। और ये सिर्फ फ्रंट सीट्स तक सीमित नहीं है, ये सेम फिनिश आपको रियर सीट्स पर भी दिखाई देगा। तो स्कोडा रैपिड नाउ इज़ करंटली अ पेट्रोल ओनली मॉडल, तो 1.6 MPI रिप्लेस हो गए 1 लीटर TSI के साथ, ज़्यादा पावर, ज़्यादा टॉर्क और एक ज़्यादा एडवांस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। रैपिड डीजल जो है फिलहाल कम से कम फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 के लिए अवेलेबल नहीं होने वाली है, वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। और अगर आपको डीजल मॉडल लेनी है तो करंट स्टॉक्स के BS4 वर्जन से ही आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले कारदेखो को, और कारदेखो.com पर भी लॉग इन कर लीजिए, क्योंकि ये इस गाड़ी के सारी जो प्राइसिंग अपडेट्स है, वेरिएंट वाइज अपडेट्स, आपको सिर्फ एक शोरूम नहीं लेकिन ऑन रोड प्राइसेस भी मिल जाएंगे आपके शहर के अनुसार। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।